चलिए हम रुख कर लेते हैं इंदौर का, जहां पर नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंत्री तुलसीराम सिलावट परेड की सलामी लेंगे। तो इंदौर में नेहरू स्टेडियम में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। मंत्री तुलसी सिलावट यहां पर परेड की सलामी लेंगे। इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं महेश मिश्रा। जी महेश, क्या खास तैयारियां की गई हैं वहां पर 74वें गणतंत्र दिवस के लिए? देखिए, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां पे 9 बजे कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट यहां पे झंडा वंदन करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। मेरे पीछे की ओर आपको ये जो मंच नजर आ रहा है, इस मंच पे आपसे कुछ देर बाद में यहां पे सारे मुख्य अतिथि पहुंचेंगे और तुलसीराम सिलावट के साथ में जो जिले के बड़े अधिकारी हैं वो सारे यहां पहुंचेंगे। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा ग्राउंड में, पीछे की ओर आप यदि देखेंगे तो इस ग्राउंड में धीरे धीरे स्कूली बच्चों का आना शुरू हो गया है बड़ी तादाद में। कोरोना के बाद में इतनी बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों को यहां पे आप देख सकते हैं और साथ ही साथ जो प्लाटून है वो अपनी जगह लेना शुरू कर चुके हैं। यहां पे 26 अलग अलग टुकड़ियां जिसमें बीएसएफ की टुकड़ी मौजूद है, पुलिस सशस्त्र बल की टुकड़ी मौजूद है, पुलिस यातायात की टुकड़ी मौजूद है और यहां पे एनसीसी एयरविंग के जो कैडेट्स हैं वो भी यहां पे मौजूद है। ये अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं और यहां पर वो रहता है बीएसएफ का और पुलिस का बैंड। पुलिस का बैंड यहाँ पे अपनी विशेष प्रस्तुति देगा जिसके साथ में बीएसएफ का बैंड भी यहाँ पे रहेगा और हर्ष फायर किए जाएंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, मुख्य अतिथि का इंतजार है और आज यहाँ पे कोरोना काल बाद में लगभग 4 साल के बाद में यहाँ इस ग्राउंड में इतनी बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे देखने को आपको मिलेंगे। जी महेश, 74वां गणतंत्र दिवस है, इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं, आपने दिखाया हमें इंदौर में, और मंत्री तुलसी सिलावट यहां पर परेड की सलामी लेने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।